कहा कि हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए सुनिएगा सुनिए और निवेदन है कि गीत को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको पसंद आएगा, मुझे विश्वास दिलाता हूं। जय एक बार राजा कान्हकुंज के पास अगस्त ऋषि पहुंचे और जाकर के राजा से कहा, ऐ राजन अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करिए, अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करो। राजा कान्हकुंज ने कहा कि महाराज अभी तो मेरी पुत्रियां बहुत छोटी छोटी हैं, अभी विवाह के योग नहीं है, और जब वो बड़ी हो जाएंगी तो ये मेरा वचन है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करूंगा। ये सुनकर के अगस्त ऋषि चले गए। कुछ समय बीतने के बाद पुनः वापस आए राजा के पास और राजा से कहा, कहा अगस्त ने कहा अगस्त ने राजन वचन का ध्यान करो। याद करिए अगस्त ऋषि कहने लगे, कहा अगस्त ने राजन वचन का ध्यान करो, कहा था करने को अगर आपने वचन दिया था, कहा था करने को तो कर से कन्या दान करो। आपने वचन दिया था कि जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी, सयानी हो जाएगी, तो आपके साथ विवाह करेंगे। अब देखिए समस्या खड़ी हो गई, समस्या खड़ी हो गई कि जब तक अगस्त ऋषि दोबारा आए लौट करके राजन के दरवाजे पर, तब तक राजा अपनी सभी बेटियों का विवाह कर चुके थे, एक भी बेटी नहीं थी। क्या बात है, अब समस्या खड़ी हो गई, क्या किया जाए। किया जो क्रोध, अब राजा सोचने लगे मन में कि अगस्त ऋषि बहुत क्रोधी भी हैं, अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने सब बेटियों का विवाह कर दिया है तो फिर मेरी तो आफत हो जाएगी। किया जो क्रोध, किया जो क्रोध हो अनर्थ इनका मान करो, किया जो क्रोध हो अनर्थ इनका मान करो,
और राजा ने क्या किया, क्या? अब चूंकि बात बनाना थी, अब लड़की तो बची नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि लड़का को लड़की का भेष बना करके, लड़का को लड़की बनाया, लड़की के वस्त्र पहनाए और ऋषि के सामने खड़ा कर दिया। कहा महाराज ये हमारी बेटी है, इससे विवाह कर लो। किया जो क्रोध हो अनर्थ इनका मान करो, किया संकल्प तो स्वीकार श्रीमान करो, किया संकल्प तो स्वीकार श्रीमान करो। अब देखिए वो लड़का जिसको लड़की बना दिया था, लड़की के कपड़े पहना करके खड़ा कर दिया ऋषि के सामने, कहा इससे विवाह कर ले, ये हमारी बेटी है। अब वो बेचारा खड़ा है, लड़का सोच रहा है खड़ा खड़ा जो लड़की बना था, कि जैसा संग में हमारे पिता ने किया, बहन जी जैसा संग में हमारे पिता ने किया, ऐसा दुनिया में कोई, ऐसा दुनिया में कोई नहीं दान हो। अब अगस्त ऋषि देख रहे हैं उसकी तरफ, अब वो लड़का जो लड़की बना खड़ा था वो देख रहा है अगस्त ऋषि की तरफ, अब वो मन ही मन में सोच रहा है कि अब हमारी तरफ क्या देख रहे हो। जैसे तुम वैसे हम, जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, ऐसे शंका का कैसे, अरे ऐसे शंका का कैसे समाधान हो। ऐसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम। समस्या है, जैसे तुम वैसे हम। आइए दूसरा टुकड़ा सुनो, सुनिए। एक बार व्यास जी को माता सत्यवती ने याद किया कि पुत्र बहुत समय बीत चुका है, अब एक काम करो, दिया ना कुल का बुझे, बुझे। माता सत्यवती सोच रही है, दिया न कुल का बुझे, मन में मां विचार किया, दिया न कुल का बुझे, मन में मां विचार किया, किया है याद भला मन में क्या विचार लिया। जब व्यास जी को याद किया माने कि पुत्र समय बीतता जा रहा है और भला हमारा कुल आगे कैसे बढ़ेगा, इसलिए कुल वृद्धि के लिए हमें तो कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे आखिर उपाय क्या है, इसलिए पुत्र तुम विवाह करो, तुम विवाह कर लो ताकि हमारा कुल आगे बढ़े। अब देखिए व्यास जी नारद जी से सलाह ले रहे हैं, नारद जी से कहा क्या, ए मुनिवर माता ने मुझे याद किया है कि कुल वृद्धि के लिए उपाय करो। तो नारद जी कहने लगे, नारद जी व्यास जी से बोले, लिया था मैंने भी, बोले हमने भी सोचा था, लिया था हमने भी, विचार न बन पाए पिया।
अरे हमने भी सोचा था ऐसे, लिया था मन में भी विचार ना बन पाए पिया, तो अब सोचो पिया प्रिया के बिना कैसे चले कुल का दिया, पिया प्रिया के बिना कैसे चले कुल का दिया, जानते हो मगर, नारद जी बोले व्यास जी से, जानते हो मगर मानते ही नहीं, भाई व्यास जी ने नारद जी से पूछ दिया कि बताओ संतान कैसे होगी, तो नारद जी बोले कि जानते हो मगर मानते ही नहीं, हमसे क्यों पूछते, हमसे क्यों पूछते कैसे संतान हो, अरे आपको हमसे तो वैसे ही नहीं पूछना चाहिए, क्यों जैसे तुम वैसे हम, एक ही जैसा मामला है, जैसे तुम वैसे हम, वैसे हम वैसे तुम, ऐसे शंका का कैसे समाधान हो, टुकड़ा सुने आप, जैसे तुम वैसे हम, राजा दिलीप, महाराज दिलीप गंगा को लाने के लिए तपस्या करने लगे, और तपस्या करते करते बिना गंगा को लाए ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, मृत्यु हो गई, लाए गंगा को कौन, जब महाराज दिलीप की मृत्यु हो गई, अब समस्या ये खड़ी हो गई कि गंगा को लाए तो कौन लाए, लाए गंगा को कौन, मन में ये विचार चले, लाए गंगा को कौन, मन में ये विचार चले, लेके संकल्प यही शिव दिलीप द्वार चले, भगवान भोलेनाथ ने साधु का भेष बनाया और पहुंच गए कहां, राजा दिलीप के द्वार, अब चूंकि दिलीप महाराज की तो मृत्यु हो चुकी थी, उनकी दो रानियां थी, दो रानियां थी, जाकर के भगवान भोलेनाथ जो साधु के भेष में थे, उन्होंने दरवाजे पर जाकर के भिक्षा मांगी, दोनों रानियों ने साधु को भिक्षा दी भगवान भोलेनाथ को, और जैसे ही भिक्षा दी भगवान भोलेनाथ ने कह दिया जाओ पुत्रवती हो, अब देखिए समस्या फिर खड़ी, क्या बात, लाल होने का वचन, लाल होने का वचन, देके वो त्रिपुरार चले, और जैसे ही शंकर भगवान ने कहा जाओ पुत्रवती हो, और मुड़कर के शंकर भगवान चलने लगे, तो दोनों रानियों ने सोचा लाल होने का वचन, देके वो त्रिपुरार चले, लाल की लाल साधे भला किस प्रकार चले, अरे बाबा जी ऐसे लाल होने का वचन दे करके मुड़ के कैसे चलने लगे, जरा भी नहीं सोचा ना,
जरा सोचा तो होता कि हमारे पति हमारे स्वामी तो इस धरती पर ही नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है और आपने हमें वचन दे दिया कि पुत्रवती भव। तो लाल की लाल साथ भला किस प्रकार चले, प्रियतम बिन कैसे ये अरमान हो बिना पति के, अरे पूरा प्रियतम बिन कैसे ये अरमान हो। अब दोनों रानी एक दूसरे की तरफ देख रही हैं, कहने लगे अब क्या देखती हो, जैसे तुम वैसे हम, शंका का कैसे समाधान हो, जैसे तुम कैसे हम, जैसे हम कैसे तुम, जैसे तुम कैसे हम, जैसे हम कैसे तुम, जैसे हम कैसे हम, जैसे हम कैसे तुम। अरे ऐसे शंका, ऐसे शंका का कैसे, अरे समाधान हो, समाधान हो, बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। सुना भी आप लोगों ने, सुना सुना, जैसे हम वैसे तुम, और क्या। वाह भैया, हमारे बाबू ललराजपुर जी को बढ़िया जवाब दिया है उन्होंने, बढ़िया। प्रयास मंच पर जितना हो सकता है उतना कलाकार करता है, और क्या, और आपने भी उतना ही प्रयास किया है। जल्दी करो, ठंडी बढ़ रही है। तो थोड़ा थोड़ा समय मिला है, उसी में सारे काम करने हैं। चलिए, भैया का गीत बड़ा अच्छा आया है, बढ़िया। मैं सीधे जवाब की तरफ चल रही हूँ और गीत कह रहा है क्या, कि हम तुम्हारे लिए तो तुम हमारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर जमाने का क्या जो हमारा न हो, जो तेरे प्यार का मिल गया आसरा, जो तेरे प्यार का मिल गया आसरा, फिर खुदा का भी बेशक मेरे गीत का जवाब उधर सुना था आपने, अब भैया ने गीत दिया है उसका जवाब मेरी तरफ से सुनिए। सुनिए, सवाल आ रहा है, नारी बनाकर कोई ले जाया जा रहा है, लेकिन जब दोनों आमने सामने खड़े हैं तो वो नारी बनने वाला पुरुष भी कह रहा है कि हमारे साथ क्या कर रहे हो, जैसे हम वैसे तुम, मामला गड़बड़ हो रहा है आपके गीत में।
अब जवाब सुनिएगा, अगर थोड़ा बहुत भी बन जाए तो आप लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा और बाबूलाल भैया आपकी दुआ भी मिलेगी। सुनिए सुनिए सुनिए, बिल्कुल जहां से ला रही हूं, क्योंकि गीत की विधा है जैसे तुम वैसे हम, तो ऐसा ही कुछ आ जाए कि मामला गड़बड़ भी हो, कोई कह दे जैसे हम वैसे तुम, हम लोग भी मामला गड़बड़ करेंगे। आप सुन के देखिए आपको अच्छा लगेगा, अपने आप समझ जाएंगे मैं कहां की बात कर रही हूं। तब जवाब है, रूप नारी का देवी ने कहा, स्वामी मैं जहां जा रही हूं वहां केवल महिलाएं ही जा सकती हैं, पुरुषों का कोई काम नहीं है। भोलेनाथ ने जिद कर ली, कहा नहीं जहां तुम जा रही हो वहां मैं भी जाऊंगा। मैया ने कहा, देखो अगर चलना है तो ऐसे नहीं चलना पड़ेगा, उसके लिए आपको भी देखिए आप समझ गए, इसलिए पंक्ति सुनिए, कहा आपको भी नर से नारी बनना पड़ेगा। और देखिए चल रहे हैं तो कैसे कैसे, रूप नारी का वो धर करके भोलेनाथ चले, रूप नारी का वो धर करके भोलेनाथ चले, गंगा ना गंगा व चंद्र पिछु नहीं साथ चले, प्रवाहित कर दिया, चंद्रमा को छुपा दिया, बिच्छू खन खजूरे सब गायब कर दिए और लहंगा चूनर पहनकर चलने लगे और कहने लगे, डियर लुक हियर, देखो कहीं कोई कमी तो नहीं है। अब होता क्या है, रूप नारी का वो धर करके भोलेनाथ चले, ना गंगा व बिच्छू चंद्र नहीं साथ चले, छुपा के अपना मात चले, नाश्ता देख उनके पास में यदुना चले, नाश्ता देख उनके पास में यदुना चले, नाश्ता देख उनके पास में यदुना चले। बाबूलाल भैया, भगवान भोलेनाथ वहीं पहुंच गए जहां मैया गई है, और वो थी जगह रास लीला की, जहां भगवान कन्हैया रास लीला कर रहे हैं। अब भगवान कन्हैया ने देखा कि यहाँ पर केवल महिलाएं ही महिलाएं हैं, और देखिए बस गीत की विशेषता, जैसे तुम वैसे हम, वैसे हाँ। भगवान कन्हैया ने देखा कि यहाँ जितनी भी नारियां आई हैं, ये सब बिना घूंघट के आई हैं, ये अलबेली कौन सी नारी चार हाथ का लंबा घूंघट किए है, ये अलबेली। अब बस कन्हैया धीरे धीरे उनके पास पहुंचे, भोलेनाथ मगन होके नाच रहे हैं, उनको लगा हमारी पोल पट्टी खुलेगी ही नहीं, लेकिन कन्हैया ने किया क्या, क्या बड़े से घूंघटे में छुपा के अपना मात चले, नाश्ता देख उनके पास में यदुना चले, खसक कर पहुंच गए हो, कहा के घा के डाले घूंघटा हो तुम, के डाले घूंघट हो तुम, बड़े नटखट हो तुम,
देने आया है। अब पंक्ति सुनिए। डाले घूंघट हो तुम, बड़े नटखट हो तुम, तो आए करने को कैसा तुम अनुमान हो। और जैसे ही घूंघट खोला तो गोपी की जगह गोपा निकल आया। वो कन्हैया ने कहा बस हम जान गए, जैसे तुम वैसे हम। धन्यवाद। समझो समझो। जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम। हालांकि यहाँ जैसे हम वैसे तुम नहीं हो ना। कुछ ना कुछ चेंज है आज हमारा ढोलक मास्टर चेंज है। जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, तो जान हम ये गए तुम भी भगवान हो। कीर्तन के खनगा बाजार महोबा से आए हैं भैया विनोद अनुरागी जी, राकेश बाबू जी, भैया चंदा अनुरागी जी और बाबू पहलवान जी, आप सबकी ओर से पुरस्कार है, आपको धन्यवाद है मेरी ओर से। डाले घूंघट हो तुम, बड़े नटखट हो तुम, आए करने को कैसा ये अनुमान हो। तो जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, जैसे हम तुम, जैसे हम वैसे तुम, जान हम ये गए तुम भी भगवान हो। जैसे हम वैसे तुम, जैसे तुम वैसे हम, जान हम ये गए तुम भगवान हो। जैसे हम वैसे तुम, जैसे तुम वैसे हम। बाबूलाल भैया छोटी बहन का प्रयास देखिए, बस जैसे तुम वैसे हम और क्या, और जनता बड़ा आनंद ले रही है। एक टुकड़ा और सुनिएगा। सुनिए, बहुत लंबा जवाब घसीटने की आवश्यकता नहीं है, एक टुकड़ा और सुने और देखिए जैसे तुम वैसे हम। ये एक बार हुआ क्या, क्या कंस गोकुल में, बजाते हो यार, समर समर चल रहा है समर। क्या कंस गोकुल में, प्रसंग को भी निवेदन है आप लोग बड़े गौर से सुनिएगा। कंस ने सोचा कि राधा कन्हैया को बहुत प्रेम करती है, चलो एक बार राधा के साथ छल किया जाए। और कंस ने राधा को छलने के लिए किया क्या, क्या कंस गोकुल में किशन बन के जब वो आया है, रूप राधा का तब कन्हैया ने बनाया है। रूप राधा का तब कन्हैया ने बनाया है, रूप राधा का तब कन्हैया ने बनाया है। अब कंस जब कन्हैया बनकर आने लगा राधा को छलने के लिए, तो भगवान कन्हैया जान गए, भगवान स्वयं राधा बनकर आ गए। और देखिए हुआ क्या, क्या कंस के संग जाके यमुना में नहाया है। भगवान कुछ बोले नहीं, कंस कन्हैया बना है और कन्हैया राधा बने हैं। अब दोनों यमुना नदी के तीर गए, कंस को तो लग रहा है कि वही राधा है, लेकिन कन्हैया जान रहे हैं, कह रहे तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं। तो कंस के संग जाके यमुना में नहाया है, लगाई डुबकी कंस नारी रूप पाया है। लगाई डुबकी कंस नारी रूप पाया है, लगाई डुबकी कंस नारी रूप पाया है।
नारी हो गया है, और जब नर से नारी हो गया तो भगवान कन्हैया अपने असली रूप में आ गए। असली रूप में आ गए तो जिद करने लगे, कह लगे अब हम समझ गए तुम कौन हो। अब जब नारी बन गए हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और तुमको अपने ही ब्रज में रखूंगा। अब कंस परेशान होने लगा, सोचने लगा मैं छुटकारा कैसे पाऊं। भगवान ने कहा क्या? ना करो। कंस बोला कि ना करो ऐसी चाह, नहीं होगा विवाह। ना करो ऐसी चाह, नहीं होगा विवाह, ना पूरे तुम्हारे ये अरमान हो। अब क्यों पूरे ना हो? क्योंकि जैसे तुम वैसे हम। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। यही जवाबी है, यही जैसे तुम वैसे हम। और क्या, तुम कोई नारी थोड़ी है, तुम प्लस तो हम भी प्लस। तो जैसे तुम वैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, जान हम ये गए तुम तो भगवान हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय।